हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, गुजरात के वलसाड और वापी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, वैल्वुलर हार्ट डिजीज की सर्जरी के बाद फॉलोअप कैसा होता है, पेशेंट को कब फॉलोअप में आना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी लाइफ कैसी होगी और फॉलोअप की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, फॉलोअप में जब वो आता है तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा सारे वैल्वुलर हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए, इसलिए इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सारा कंटेंट शॉर्ट में देखना है और आप सिर्फ ब्रीफ समरी चाहते हैं तो हम रेगुलरली यूट्यूब शॉर्ट्स पर छोटे छोटे एक मिनट की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है वैल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट में फॉलोअप का क्या रोल है और फॉलोअप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेसिकली वैल्व एक पंखुड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक दरवाजे जैसा काम करता है, दोनों चेंबर्स के ब्लड के मिक्स होने को प्रिवेंट करता है। वैल्व में कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है जिसकी वजह से वैल्व सिकुड़ जाता है, वैल्व लीक हो सकता है। ज़्यादातर कई बार जन्म से ही वैल्व में अबनॉर्मलिटी होती है, उसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। कई बार वैल्व रोमैटिक हार्ट डिजीज यानी वैल्व का एक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से सिकुड़ जाता है। कई बार उम्र दराज पेशेंट के हिसाब से भी वैल्व में कैल्शियम जमा हो जाता है और वैल्व रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर किसी को वैल्व का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसमें सर्जरी करके वैल्व को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को माइल्ड प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको मेडिसिन पर मैनेज कर सकते हो। और वैल्व की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए, इसलिए पोस्ट वैल्व वाले पेशेंट में ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट में हम सर्जरी को थोड़ा डिले करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को वैल्व का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो फिर वैल्व रिप्लेस करना पड़ता है। वैल्व रिप्लेस किए वाले जो है वो दो तरह के आते हैं, मेटालिक और टिश्यू वैल्व। मेटालिक वैल्व ज़्यादातर यंग पेशेंट में किया जाता है जिनकी उम्र 30-40 साल के आसपास है क्योंकि वो ज़्यादा लंबा चलते हैं। टिश्यू वैल्व जो है 60-70 साल की बात किया जाता है क्योंकि वो कम चलते हैं, लेकिन उसमें खून पतला करने की दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेटालिक वैल्व वाले पेशेंट्स में खून पतला करने की दवा एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते, नहीं तो आपको तकलीफ आती है, आपको जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए टिश्यू वैल्व और मेटालिक वैल्व में क्या डिफरेंस होता है इसका हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक ज़्यादातर फॉलोअप रिलेटेड इश्यूज़ पर है। ज़्यादातर अगर आपका वैल्व सर्जरी होता है तो 1 से 2 दिन आपको आईसीयू में रखा जाता है, 4-5 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। पहला फॉलोअप आइडियली 10 दिन के बाद होना चाहिए। डिस्चार्ज के टाइम एक PTINR का वैल्यू चेक होना चाहिए, खासकर अगर किसी को मेटालिक वैल्व है। और इनफैक्ट टिश्यू वाले वैल्व में भी पहले 6 महीने तो एटलीस्ट खून पतला करने का दवा देना पड़ता है क्योंकि टिश्यू वैल्व में भी एंडोथीलियम की लेयर जमने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो इस दौरान टिश्यू वाले वैल्व में भी क्लॉट हो सकता है, तो खून पतला करने की दवा देना पड़ता है। उसके बाद पहला फॉलोअप 10 दिन के बाद होना चाहिए। इस दौरान आप आपकी रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके आइए, यानी रूटीन हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा है, आपका क्रिएटिनिन का फंक्शन वगैरह कैसा है, और PTINR के वैल्यूज़ को आप करके आइए। उसके बाद अगर वैल्यूज़ कम ज़्यादा है तो डॉक्टर आपकी डोज को टाइट्रेट करेगा, एडजस्ट करेगा, और 1 महीने के बाद आपको अगला फॉलोअप करना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी है तो भी फॉलोअप करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फॉलोअप के दौरान आपका कोई सर्जरी रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्जरी के घाव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्जरी जिस साइड पे किया है वहाँ जो सर्जिकल सूचर्स वगैरह हैं उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह के साइंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को डॉक्टर असेस करेंगे, आपके रूटीन ब्लड रिपोर्ट को असेस करेंगे और इकोकार्डियोग्राफी करके आपका एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट लेना चाहिए इस टाइम पर कि आपका वैल्व बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उसके ग्रेडियंट्स वगैरह ठीक है कि नहीं, क्लॉट बराबर, कोई वैल्व में कोई क्लॉट का प्रॉब्लम या इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, हार्ट के पंप फंक्शन में कोई डिटोरिएशन तो नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट कर जाता है सर्जरी के बाद, जिसको सुधारने के लिए दवा देनी पड़ती है। कई बार सर्जरी क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो इसलिए सर्जरी के बाद पेशेंट के कंडीशन भी कई बार बहुत अच्छी नहीं रहती है, पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह का चांस भी रहता है और कई बार हार्ट फेलियर में भी चला जाता है, तो हार्ट फेलियर की मेडिसिन भी पेशेंट को देना पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि सर्जरी के बाद क्या दवा बंद हो जाएगी? डेफिनेटली नहीं, खासकर खून पतला करने की दवा तो लाइफ टाइम चलेगी। मेटालिक वैल्व है अगर तो डेफिनेटली लाइफ टाइम, अगर टिश्यू वैल्व है तो पहले 6 महीना। इसके अलावा हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन सुधारने वाली मेडिसिन आपको, अगर पंप बिगड़ा हुआ है तो लाइफ टाइम चलेंगी, थोड़ी बहुत गति कंट्रोल करने वाली मेडिसिन और ये सब चलेगी। फॉलोअप के दौरान आपका एक ECG भी करना ज़रूरी है, हार्ट का रिदम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एट्रल फिब्रिलेशन में तो पेशेंट नहीं गया, या पेशेंट जिसको पहले से एट्रल फिब्रिलेशन है उसका रिदम नॉर्मलाइज हुआ है कि नहीं, वो देखने के लिए
एक्सरे किया जा सकता है ये देखने के लिए कि पेशेंट का कोई छाती में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और सर्जरी के दौरान कई बार क्या है लंग्स के कुछ पोर्शंस कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो वापस से उसमें हीलिंग हुई है कि नहीं, प्रॉफिस वो खुले हैं कि नहीं, वो सारे चीज़ों को चेक करने के लिए एक्सरे किया जाना चाहिए। इसके बाद पेशेंट को अगला फॉलोअप एक महीने के बाद यूजली करना चाहिए, उसके बाद आइडियली हर एक महीने में बताते रहना चाहिए। ये फॉलोअप आप सर्जन के पास भी कर सकते हो, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी कर सकते हो, और जो फिजिशियन ने आपको भेजा है उनके पास भी कर सकते हो, बशर्ते कि सारी चीज़ें प्रॉपरली असेस हो रही है। ज़्यादातर वाल्व रिलेटेड जो भी तकलीफ आती है, सर्जरी रिलेटेड जो भी तकलीफ आती है, पहले 4-6 महीने में आने का ज़्यादा रिस्क रहता है। ये कार्डियक की ज़्यादातर बीमारियों में ऐसा है, चाहे वो वाल्व की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे स्टेंट की बीमारी हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, सब में ही ऐसा रहता है कि प्रॉब्लम्स आने का चांस पहले 6 महीने ज़्यादा रहता है। तो इस दौरान आपको ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और जो भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर कभी सडनली घबराहट, पसीना, सांस फूल रही है, बेचैनी हो रही है, या पेशेंट को सडनली जॉन्डिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेटने में सांस फूल रही है, इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, फीवर वगैरह हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। वैसे केस में आपको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप मान के चलिए कि पहला 6 महीना जब सर्जरी होगी वाल्व की, तो पेशेंट थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इस दौरान रेगुलर डॉक्टर से टच में रहने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर आपको फॉलोअप में नहीं भी बुला रहा है या 3-4 महीने बाद भी बुला रहा है, तो भी अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो तो तुरंत जाके रिपोर्ट करिए। इस मामले में लापरवाही मत करिए, क्योंकि इसमें कई बार लापरवाही के बाद जब बिगड़ जाती है हालत तो संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो उसमें फिर तकलीफ आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व के बाद लाइफ कैसी होती है, इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो किया है। मेटालिक वाल्व में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वाल्व ज़्यादा साल चलता है, 25-30 साल चलता है, उसके बाद उसे चेंज करने की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। टिश्यू वाल्व ज़्यादातर अगर यंग पेशेंट में लगाते हैं तो 10-12 साल चलता है। ज़्यादातर टिश्यू वाले वाल्व में आपको पहले 6 महीने तक एंटीकोएगुलेशन लेना पड़ता है, तो हर 6 महीने तक हर 1-1 महीने में आपको PTINR टेस्ट कराना पड़ेगा। PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का एक एनालिसिस है, जो खून कितना पतला है वो असेस करता है। अगर आपका खून ज़्यादा पतला हो गया तो ब्लीडिंग होने का चांस है, अगर खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो क्लॉटिंग होने का चांस है, तो आपको एग्जैक्टली INR को मेंटेन करना पड़ता है। इसमें PTINR में एक वैल्यू आपको मिलती है जिसे INR बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये नॉर्मली आपको 2-3 या 2.5-3.5 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। जो लो क्लॉटिंग के रिस्क वाले एओर्टिक वाल्व वगैरह वाले पेशेंट्स हैं उनको 2-3 में मेंटेन करते हैं INR, और जो मिट्रल वाल्व या मल्टी वाल्व वाले पेशेंट हैं उनको 2.5-3.5 के बीच में INR को मेंटेन करते हैं। उससे ज़्यादा होने में ब्लीडिंग का रिस्क होगा, उससे कम होने में क्लॉटिंग का रिस्क होगा, तो इसे प्रॉपरली मेंटेन और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मिस आउट नहीं करना चाहिए। मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप खाना नहीं खाओ वो चलेगा, लेकिन वॉरफेरिन की गोली या आइसोट्रॉम की गोली मिस मत करिएगा। इसको मिस कर दिया और वाल्व में तकलीफ हो गई तो संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगला इशू लोग पूछते हैं कि डाइट में क्या चीज़ें करनी है, क्या कोलेस्ट्रॉल कम लेना है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ की बीमारी जो है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उम्र दराज किसी को वैल्वुलर हार्ट प्रॉब्लम्स अगर उम्र के साथ हो तो आप कोलेस्ट्रॉल कट डाउन कर सकते हैं, साथ में अगर डायबिटीज़ वगैरह हो तो डेफिनेटली करना चाहिए, पर अदरवाइज डाइट में कोलेस्ट्रॉल का या तेल घी का या नमक का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हार्ट फेलियर अगर है तो नमक का रिस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट फेलियर अगर है तो फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन होगा, नहीं तो विटामिन के कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को जैसे कि हरी साग सब्जी है, पालक, मेथी, ब्रोकोली, एस्पैरेगस, पत्ता गोभी, सोयाबीन, सॉर्क्रॉट, ब्रसल्स स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ों को आपको जिसमें विटामिन के है उनको रिस्ट्रिक्टेड रखना है, पूरी तरह बंद नहीं करना है। महीने में 3-4 बार आप उसको ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाएगा, बहुत कम करेंगे तो खून पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला चीज़ है कि पेशेंट को कौन से फूड्स ज़्यादा लेने हैं। ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम वाली चीज़ लें, क्योंकि घाव भरने में वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे। कार्बोहाइड्रेट भी आप ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है, तो बॉडी वेट को आप मेंटेन करें तो अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर वैल्वुलर हार्ट वाले पेशेंट्स को साथ में नलियों का ब्लॉकेज हो कम ही चांस होता है, तो वैसे पेशेंट में अगर आप थोड़ा बॉडी वेट अच्छा मेंटेन करें तो हार्ट फेलियर होने का चांस कम रहता है, लॉन्ग टर्म तकलीफ आने का चांस कम रहता है, तो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही खाएं तो अच्छा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को भूख ना लगे, अगर भूख नहीं लग रही है तो आपको भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है, साथ में लिवर और किडनी का टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि लिवर किडनी की बीमारी हो तो भी भूख कम लगे ऐसा हो सकता है। वैल्वुलर हार्ट वाले पेशेंट में लिवर किडनी पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाल्व की जो सर्जरीज है उससे यूजली लिवर किडनी को प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं है, अनलेस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए खासकर तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है,
तो आपको वो सब चीज़ों का इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है कि नए वाले वैल्व में एक्सरसाइज से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं, पर रेगुलर बेसिस पे हम आपको एक्टिव रहने की सलाह तो सबको देते हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने की सलाह तो सबको देते हैं। बहुत विगरसली एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं तो वैल्व ज़्यादा डैमेज होगा, प्रेशर ग्रेडनेस बढ़ेंगे, वैल्व का स्ट्रक्चरल डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। पर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत चलने फिरने का, जॉगिंग का, इस तरह का एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। कंप्लीटली बेड रेस्ट पे रहने का है, अगर बहुत ज़्यादा फेलियर है तो ही ज़रूरत है, अदरवाइज उतना बेड रेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा फेलियर भी हो तो भी कंप्लीट बेड रेस्ट करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये एंटीकोएगुलेशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ज़्यादातर अगर मेटालिक वाल्व है तो लाइफ टाइम मेंटेन रहेंगे, पहले 6 महीने में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा क्योंकि उस दौरान वाल्व एंडोथेलाइज नहीं होता है, उसके बाद थोड़ा सा लिबरल हो जाएगा, लेकिन आपको टच में डॉक्टर के कंटिन्यूसली रहना है, बंद नहीं करनी है दवा किसी भी हालत में, लाइफ टाइम दवा चलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हर 3 से 6 महीने में आप डॉक्टर को बताते रहिए, उसमें डॉक्टर आपका ECG, इको और ओवरऑल ब्लड के इवैल्यूएशंस वगैरह करते रहेंगे। ब्लड का इवैल्यूएशन इसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार जो खून पतला करने की दवा है उससे ऊपर से पता ना चले लेकिन अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो वो चेक होता रहेगा। और हर बार जब आप आएंगे डॉक्टर के पास तो आपका इको करके चेक करते रहेंगे कि वाल्व का प्रेशर ग्रेडियंट तो नहीं बढ़ा है। अगर मेरे ओपीडी में तो खैर इको के लिए अगर पेशेंट आता है और फॉलोअप में आता है तो मैं इको का चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं चार्ज हो भी रहा है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक बार इको कराते रहना चाहिए, इससे पता चलता रहेगा कि वाल्व में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार वाल्व चेंज कर दिया तो लाइफ टाइम तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाल्व के अपने तरह के इश्यूज़ होते हैं जिसको ऑलरेडी हमने बाकी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, आपको वो जानना समझना ज़रूरी है और उसको मैनेज करना प्रॉपरली ज़रूरी है। पोस्ट वैल वाले पेशेंट में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है, खासकर अगर फीमेल पेशेंट का मेटालिक वैल्व हो तो। मेल पेशेंट में दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो उसकी वाइफ प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसके स्पर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको अगर मेटालिक वैल्व है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेटालिक वैल्व के साथ जो खून पतला करने की दवा देते हैं उससे बच्चे में विकृति हो सकती है। कुछ गाइडलाइन जैसा कहते हैं कि पहले 3 महीने आप पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिंस पे रख दो और फिर 3 महीने के बाद जब बच्चे में विकृति होने का चांस कम हो जाए तो फिर आप उसको रेगुलर मेडिसिंस पे ले लो, तो फिर आप उसको वारफरिन और एसीट्रॉम पे ले लो, 3 महीने तक इंजेक्शन देते रहो, डिलीवरी के 5 दिन पहले तक भी आप पेशेंट को टैबलेट देते रहो, बाद में फिर उसको इंजेक्शन पे ले लो, इससे बच्चे को भी नुकसान कम होगा लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा ब्लीडिंग रिस्क तो डेफिनेटली रहेगा। मेरा ज़्यादातर मानना है कि अगर वाल्व वाले पेशेंट है और खासकर अगर मिट्रल वाल्व पोजीशन पे है तो या ट्राइकस्पिड वाल्व में, तो वैसे पेशेंट को पूरे 3 महीने कंटिन्यू वारफरिन ही देते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लो मॉलिक्यूलर हेपारिन का उतना अच्छा रोल नहीं है और उतना अच्छा वो इफेक्टिव भी नहीं होते, और दूसरा ये है कि वो देने के बाद भी कई बार वाल्व में क्लॉट अगर हो गया तो उसमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वारफरिन का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादातर बच्चे में विकृति होने का चांस 2-3% होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके बदले अगर आपका वाल्व बंद हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा आफत हो जाएगी और मां और बच्चे दोनों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वैसे केसेस में आपको प्रेगनेंसी करने से पहले डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आपको सडन सांस फूल रही है, घबराहट, पसीना हो रहा है, BP कम हो रहा है, रात को सोने में सांस फूल रही है, तो डॉक्टर को दिखाइए, कई बार वाल्व चिपक जाता है, वाल्व क्लॉट हो जाता है। ये अगर INR वैल्यूज़ लो हो तो होने का चांस ज़्यादा है, पर कई बार नॉर्मल INR में भी हो सकता है, 1-8% पर ईयर चांस है इसका, तो आपको वैसा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इको करवाइए। अगर सांस फूल रही है तो सबसे पहले आपको वाल्व की कंडीशन चेक करना ज़रूरी है, अगर ये मिस हो गया तो फिर जान का खतरा हो सकता है। ऐसे केस में डॉक्टर आपको एडमिट करेगा, सांस फूलने के कारण को इवैल्यूएट करेगा, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो उसे कंट्रोल करेगा, और अगर वाल्व में क्लॉट है तो खून पतला करने के इंजेक्शंस देगा। ये खून पतला करने के थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शंस काफ़ी डेंजरस होते हैं और इसमें 85% सक्सेस रेशियो रहता है, 100% नहीं रहता, पर इनको आपको डॉक्टर को 1 से 2 दिन तक आपको देना पड़ता है। एक बार वाल्व खुल गया तो फिर पेशेंट के लाइफ नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद लेकिन आपको INR थोड़ा हायर रेंज पे मेंटेन करना पड़ता है ताकि दोबारा स्टक वाल्व ना हो। अगर वाल्व इंजेक्शन से नहीं खुलता है तो ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए वो ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। रिपीट सर्जरी के दौरान ओपन जब छाती को करते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह का चांस और प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर वाल्व रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं या स्टक वाल्व अगर होता है तो पहले 6 मंथ्स होने का चांस ज़्यादा है, उसके बाद नहीं।
मेटालिक वेल्स जो है ये एमआरआई कंपैटिबल रहते हैं, तो इसलिए इसमें मैग्नेट वगैरह की फील्ड में जाने में या एमआरआई एरिया में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ये वेल्स स्टील के या टाइटेनियम के होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। पेसमेकर्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, पर वैल के यूजली पेशेंट्स में दिक्कत नहीं आता है, तो आप आराम से एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं, प्रॉब्लम होने का अंदेशा बहुत कम है। कोई और अगर आपकी नॉन कार्डियक सर्जरी अगर होनी है, तो उससे 4-5 दिन पहले खून पतला करने का इंजेक्शन बंद करना पड़ता है। वो 4-5 दिन के पीरियड में लो मोलिकुलर वेट हिपारिन का इंजेक्शन आपको देना पड़ता है। किसी का डेंटल एक्सट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, आपको ये 4-5 दिन एक्स्ट्रा रिस्क रहता है। इस दौरान वैल में तकलीफ आ सकती है। एक बार सर्जरी हो गई तो उसके बाद आपको 1-2 दिन में वापस से लो मोलिकुलर हिपारिन से ओवरलैप करते हुए फिर से आपको एसिटोमिया उस मेडिसिन पर लाना पड़ेगा। इस दौरान अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग भी होती है रेगुलर टाइम्स पे, तो आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, INR को चेक करना है। INR अगर ज़्यादा है तो विटामिन के इंजेक्शन देने हैं, और उसके बाद दवा का डोज को कम ज़्यादा एडजस्ट करना है। तो सिर्फ स्टक वाल्व का ही प्रॉब्लम नहीं है, ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम है, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई अगर नॉन कार्डियक सर्जरी हो तो आपको पेशेंट का इन्फेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्रोस्थेटिक वाल्व में इन्फेक्शन हो गया तो जान का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो नॉन कार्डिक सर्जरी से पहले आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस प्रोफाइल एक्सेस यानी ऑपरेशन से 1-2 घंटे पहले कुछ खून को एंटीबायोटिक्स को मारने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए दवा जिसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो देना ज़रूरी होता है। इसके बारे में आपको डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर तो डॉक्टर ही आपको डिस्कस करेंगे, पर आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि मिस आउट हो गया तो कई बार जान का खतरा हो सकता है। अगर आपको कोई फीवर वगैरह हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। फीवर अगर 1-2 दिन के लिए हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लंबा फीवर चल रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर वैसे में आपको भर्ती करने की ज़रूरत है, वैल का कल्चर्स लेने की ज़रूरत है। और अगर इन्फेक्शन हो गया और वो वैल में फैल गया तो फिर 6-7 हफ्ते तक लंबी एंटीबायोटिक चलती है, और उसमें बहुत ज़्यादा जान का खतरा होता है। तो वैल में अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो एक तरह से पेशेंट के लिए बहुत हेडेक हो जाता है, और डॉक्टर के लिए भी बहुत हेडेक हो जाता है। तो आज हमने बात की वैल्व से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ होते सकते हैं, उस बारे में इंपॉर्टेंट इशूज़ के बारे में बात की। अगर इसमें आपकी कोई स्पेसिफिक कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या कोई पेशेंट रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। यदि आप सारे वीडियोस की पूरी डिटेल्स नहीं देखना चाहते, सिर्फ ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं, तो हम रेगुलरली यूट्यूब शॉर्ट्स पर छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे। थैंक यू।